नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रैपिड रिवीजन ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में। मैं हूं सत्येंद्र। आज हम फटाफट से आने वाले 2-3 मिनट में जल्दी से करंट अफेयर के फैक्ट जानेंगे और साथ में कुछ चीज़ें याद करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं जल्दी से आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूं जनवरी मंथ के कुछ दिवस। तो फटाफट से ये वीडियो आप लोगों को ब्रह्मास्त्र सीरीज़ नाम से मिलेंगी और मैं डेली इन्हें अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, आप लोग इन्हें फॉलो कर सकते हैं। फटाफट से हम लोग जनवरी का हम देखेंगे। 1 जनवरी को मनाया जाता है फैमिली डे। कौन सा डे मनाया जाता है? फैमिली डे। फिर हम देते हैं 4 जनवरी को, 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल्स दिवस, आप लोग मनाते हैं लुईस ब्रेल डे। 9 जनवरी प्यारे साथियों आप देखेंगे प्रवासी दिवस मनाया जाता है और इस बार ये इंदौर में हुआ था, इंदौर में, ठीक है, कहाँ पर? इंदौर MP में। 10 जनवरी को इंटरनेशनल हिंदी डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल हिंदी डे। और इस बार सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर प्यारे साथियों? तो ये हुआ था आप लोगों का फिजी के नाडी शहर में, फिजी में। इसके बाद 12 जनवरी को आप लोग मनाते हैं यूथ डे। क्या मनाते हैं? यूथ डे, स्वामी विवेकानंद डे पर, विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर। 15 जनवरी को मनाए जाते हैं आर्मी डे। कौन सा डे? आर्मी डे। इसके बाद है 23 जनवरी। 23 जनवरी को प्यारे साथियों हम लोग मनाते हैं क्या? वो है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर। और इसके बाद है 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम मनाए जाते हैं गांधी जी की हत्या हुई थी, वो हुई थी शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये तो जनवरी माह के दिवस हम लोगों ने देख लिया। अब मैं फटाफट से आप लोगों को करा देता हूँ वो है क्या, जल्दी से हम लोग देखते हैं। और वो है अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में सबसे पहले हम इसरो देखेंगे। इसरो 1969 में बना, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और इसमें चंद्रयान 3 याद रखेंगे, चंद्रयान 3 मिशन जो हो रहा है वो 2024 आप लोग नोट रखेंगे। गगनयान रखेंगे वो भी 2024 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका एक हो चुका है पी एस एल वी की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने सैटेलाइट को छोड़ा गया कक्षा में, क्लास वो ऑर्बिट में? 9 सैटेलाइट को, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद है INSB आप लोग याद रखेंगे, INS की फुल फॉर्म होती है इंडियन सैटेलाइट 2B। तो ये जो है भूटान का, भारत और भूटान नोट कर लेंगे, भारत प्लस भूटान का एक संयुक्त मिशन है स्पेस को लेकर, नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है। ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट। प्यारे साथियों कुछ योजनाएँ आप लोगों को बता दे रहा हूँ। PM डिवाइन योजना जो है वो याद रखेंगे आप लोग, PM डिवाइन, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो हैं उनके डेवलपमेंट से हैं। स्माइल योजना याद रखेंगे आप लोग, स्माइल 75। तो ये योजना जो है ये है बैगर और आप लोगों के बैगर के साथ जो ट्रांसजेंडर हैं उनके डेवलपमेंट से लेकर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लिखेंगे नमस्ते योजना। तो नमस्ते योजना जो है जो आपके सफाई कर्मी होते हैं उनसे रिलेटेड है, सफाई कर्मचारियों से रिलेटेड है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, दोनों योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष याद रखेंगे, मिशन इंद्रधनुष। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है वैक्सीनेशन से, टीकाकरण से, टीकाकरण से याद रखेंगे। एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे, एक मिशन कावेरी चल रहा है, मिशन कावेरी, ये सूडान से भारतीयों को निकाला गया है, दक्षिणी सूडान से। तो ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को बता देता हूँ कामाख्या मंदिर। कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है? गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? दिलवाड़ा का ये है माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है। एक याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो मंदिर है आप लोगों का लिंगराज टेम्पल। ये कहाँ पर है भैया? ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। पुरी जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है? पुरी में, उड़ीसा में है ये भी। और ब्लैक पकोड़ा कोणार्क टेम्पल जो है ये कहाँ पर है भैया? ये भी आप लोगों का उड़ीसा राज्य में, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तरह की ब्रह्मास्त्र रैपिड रिवीजन सीरीज में ला रहा हूँ 2-2, 3-3 मिनट की। उम्मीद है कि इनसे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसी वीडियो लगी। थैंक यू।